हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। हम लोग मनाली में हैं और आज का व्लॉग हमारे लिए है कि हम लोग रोहतांग जा रहे हैं। तो रोहतांग जाने के तरफ जो जो स्पॉट्स हम लोग कवर कर पाएंगे आज इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर वो जो नोटिफिकेशन जो बेल देख रहे हो ना, उसको भी थोड़ा बजा दो ताकि आप नेक्स्ट अपडेट भी देख पाओ। अगर आपने हमारे पहले ब्लॉग्स मिस कर चुके हो तो जो आई बटन है ऊपर, वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको हमारे पूरे हिमाचल की अलग अलग जगह की सैर करवाऊंगी। निकल पड़े सुबह सुबह रोहतांग की तरफ। 51 किलोमीटर की डिस्टेंस में है रोहतांग मनाली से, एंड जाते जाते एवरी टर्न आपको अलग सी सीनिक व्यू देगी। रोहतांग पास इज़ अ वेरी हाई माउंटेन पास, द ईस्टर्न एंड ऑफ द पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयस। ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करती है। लाइज ऑन द वाटर शेड बिटवीन द चिनाब एंड बियस बेसिन। रोहतांग ला और रोहतांग पास ओपन रहती है मई से नवंबर तक। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं एक वाइट पैराडाइज में हूँ अभी। जस्ट लुक एट दिस व्यू। काफ़ी ठंडी हो रखी है यहाँ पे, बातें भी कर नहीं पा रही हूँ। हम लोग रोहतांग पहुँच गए हैं। हम लोगों ने एक छोटी गाड़ी ली थी तो हम लोग उसको नीचे छोड़ के एक ईवी बुक करके आए हैं। आई डोंट नो सीज़न वाइज वो लोग कितना चार्ज करेंगे, पर ये जो 4x4 ईवी है, ये लोग अभी फ़िलहाल 1500 रुपये पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, पर हमने चूज़ नहीं किया क्योंकि 4x4 ईवी में आना ही एक काफ़ी एडवेंचर था, क्योंकि रास्ते एकदम ही कहीं कहीं पे है नहीं, पूरे बर्फ़ में ढके हुए हैं, एंड उसमें आना मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा ये जगह। ये पास काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी एक टाइम में, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल ट्रेड हुआ करता था। अभी फ़िलहाल अटल टनल के बाद से ये डिस्टेंस हाफ हो चुकी है। हमने गुलाबा चेक पोस्ट क्रॉस करके परमिट दिखाया है, उसके बाद हम लोग रोहतांग पास पहुँचे थे। परमिट के लिए यू कैन कलेक्ट इट ऑनलाइन बाय योरसेल्फ, बट हमने ये सब हैसल नहीं करके होटल से बात करके गाड़ी एंड परमिट दोनों करवा लिया था। सीजन वाइज गाड़ी का प्राइस एंड परमिट वैरी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको फिक्स रेट कुछ बोल नहीं पाऊँगी। ये बहुत सुंदर पास है विथ ब्रेथ टेकिंग सीनिक ब्यूटी, एंड यहाँ की ATV राइड मस्ट है, काफी मजा आएगा आपको। नवंबर के बाद से ये जगह पूरी बंद रहती है स्नोफॉल के कारण। जैसे आप देख पा रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे काफी स्नो है और इसके बाद से यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो आप सीजन के टाइम आओगे तो रश भी वैसी रहेगी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सुबह निकलते हैं, तो फॉर्चुनेटली हम जब आए थे हमें उतना सुबह निकलना नहीं पड़ा था, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। बट इट इज़ रिकमेंडेड टू लीव द होटल अर्ली टू रीच रोहतांग पास इन अ बेटर वे विदाउट एनी कंजेशन। फीट की एलिवेशन में है ये रोहतांग पास।
बायो टॉयलेट इज ऑल्सो अवेलेबल 500 मीटर्स बिफोर द रोहतांग पास जीरो पॉइंट। ये रहा जहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके हैं दिखाने के लिए आपको। यहाँ से बियस रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से बियस नदी का स्टार्टिंग हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट है, तो हमें ड्राइवर भैया ने कहा कि यहाँ पे कभी एक टाइम में मूवी का शूटिंग भी हुई थी, तो इसीलिए ये भी एक स्पॉट्स में काउंट होती है। ये ब्रेथटेकिंग व्यू देख के आप पागल हो जाओगे। यहाँ पे इतनी सुंदर व्यू है, जितने आप ऊपर जाओगे और आपको ये स्नो की पहाड़ सामने से दिखेगी। हर एक टर्न में एक अलग सी खूबसूरती है। एंड ये रहा लास्ट स्पॉट। ये वाटरफॉल की नाम मुझे काफी अच्छे से अभी याद है नहीं, बट गूगल करने से रहाला फॉल्स बोला जा रहा है। मे बी मैं उसी को मैं रहाला फॉल्स बोलती हूँ, पर अगर कुछ गलती भी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जितना पता था मैं आपको यहाँ पे बताई। तो ये थी हमारी रोहतांग की ट्रिप। हम लोग अभी पैक कर रहे हैं, आप पीछे का व्यू देखो। सो इस जगह से अलविदा कहना पड़ेगा। ये ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग में कोई एक नई जगह। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।